हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाऊंगी ऑफिशियली और बताऊंगी भी। ये वीडियो लेट हुआ है एंड दिस इज़ माय मिस्टेक। मैं अपना एक्सेप्ट करती हूँ, अपोलोजाइज, बिकॉज अगर मैं ये वीडियो थोड़ा पहले बनाती, मतलब कम से कम 3 या 4 दिन पहले, तो 20 को जिनका एग्ज़ाम हुआ है वो थोड़ा सा अवेयर हो जाते। अभी भी लेट बना है क्योंकि दिन में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इसीलिए, और अभी बना दिया है। जो देखेगा वो भी ठीक रहेगा, जो नहीं देख पाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। 22 अप्रैल कल के दिन जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, जैसा कि आपने 20 अप्रैल का अगर रिव्यू देखा होगा वीडियोज़ में, तो कह रहे हैं कि काफ़ी टफ़ रहा था पेपर। टफ इसीलिए कहेंगे कि एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, दूसरा आपका जो सिस्टम का जो प्रोसेस है वो बहुत गलत है। अब मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगी, एक बार आप खुद से चेक करके जाएं कि ऐसा आएगा पेपर जिनका कल पेपर है, ऐसा कुछ आएगा मैं आपको अभी दिखाऊंगी, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कितने क्वेश्चन करने पर आप सेफ रह जाओगे, और ज़्यादा अगर क्वेश्चन नहीं छेड़ रहे हो तो कितने हमें मिनिमम से मिनिमम करने होंगे। तो चलिए चलते हैं गाइज। प्लीज़ आई एम सॉरी अबाउट इट कि ये वीडियो मेरे को पहले बनाना था, बट सीरियसली अभी थोड़ा सा मेरे को लगा कि बनाना चाहिए, नथिंग ऑल। अगर नहीं देख पा रहे हो क्योंकि पेपर में होता है भाई बहुत ज़्यादा, ये क्या कहते हैं, टेंस बहुत होता है कि कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है, जिनका 19, 20, 22 और 23 को एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस है यहाँ पर रिगार्डिंग DSSB ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसा कि नोटिस डाला हुआ है। ये आपका OARS का लिंक होता है जो हमें भरना होता है, मतलब एप्लीकेशन जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके नीचे जो आपको ये लिंक दिख रहा है ना, इस लिंक के ऊपर बात करती हूँ मैं। यहाँ से इस लिंक को टैप करती हूँ, ये वाला लिंक, मैं यहाँ से इसको क्लिक किया तो मेरे सामने ये कुछ आ गया। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। मैं यहाँ से जस्ट साइन इन करूँगी। अगर आप रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे तो आप लॉगिन कर सकते हैं, मैं साइन इन करूँगी। साइन इन करने के बाद देखो मेरे पास कुछ फॉर्मेट आएगा, इंस्ट्रक्शंस हैं और सारा इंग्लिश में रहेगा। यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अगर आपको हिंदी में जानना है तो, लेकिन मैं इंग्लिश में रखूँगी, थोड़ा इंग्लिश में इजी रहता है लैंग्वेज को पढ़ना, मैं इंग्लिश में रखूँगी। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए ये इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, प्लीज़ नॉट ऑल क्वेश्चन विल अपीयर इन डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आएंगे, एंड जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन आपका पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट कि इंग्लिश में ही पेपर आएगा। मैं यहाँ से ये ओके करती हूँ और मैं करती हूँ आई एम रेडी टू बिगिन। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रही हैं। मैं यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन कर देती हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं इंग्लिश का सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन कर देती हूँ। आई एम रेडी टू बिगिन जैसे ही मैंने किया तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद देखे यहाँ पर मेरे पास ये जो मॉक टेस्ट है, ये मेंटल एबिलिटी का मेरे पास यहाँ पे खुला है और ये टाइम भी चल रहा है मेरे पास, तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे आएंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ इसको, अगर ये ऊपर हो रहा है तो, ऊपर क्यों नहीं हो रहा है ये। ऐसे करके आपको पता होगा कि आपके जो हैं 5 सेट आएंगे, ठीक है, 40-40 नंबर के। लेकिन 20 वाले कैंडिडेट्स ने हमें बताया है कि 20 क्वेश्चन का एक सेट आएगा और उसके बाद ही दूसरा सेट खुलेगा। जैसे यहाँ पर आप खुद चूज़ नहीं कर सकते हो कि हमें कौन सा सेट पहले करना है, ये मेंटल एबिलिटी का सेट है तो यही आपको पहले करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये 20 क्वेश्चन मेरे पास है। जैसे मैं यहाँ से अगर फर्स्ट क्वेश्चन खोलती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PI। ये मेरा ऊपर नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PI, मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करूँगी तो मेरे पास ये सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा मेरे को।
सेव एंड नेक्स्ट, मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, मेरे जो मैंने वन क्वेश्चन किया वो हो गया ग्रीन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चल रही हूँ, मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ से खोला, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीआई, मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया फोर्थ ऑप्शन, फिर मैं सेव कर रही हूँ, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन खोल रही हूँ, फिर मैं सेव टू नेक्स्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ से करके और मैं ऐसे ऐसे करके जा रही हूँ, मान लो कि मैंने सेवन्थ क्वेश्चन और मेरे को आता है, तो मैं यहाँ से रैंडमली कर रही हूँ, ये कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ऐसे ऐसे करके मैंने क्वेश्चन किए और जिस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि मेरे को आता नहीं है और मेरे को ये क्वेश्चन अभी मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ना चाहिए, आपके सामने दो ऑप्शन नीचे आ रहे हैं, क्लियर रिस्पॉन्स है आपका या फिर मार्क फॉर रिव्यू करोगे। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपने सोच लो मैंने एट नंबर क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो मैंने कर दिया रिव्यू। जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन पर्पल कलर का दिखाई देगा, ये बॉक्स, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, स्किप किया है, वो रेड कलर का होगा और जो आपने अटेम्प्ट किया है वो होगा ग्रीन कलर का। मैं नाइन नंबर क्वेश्चन पे आ गई और इसमें मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया और सेवन नेक्स्ट कर दिया। फिर मैंने टेन नंबर पे भी, मेरे को नहीं आता, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैंने मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया। फिर से ये पर्पल कलर का हो गया रिव्यू वाला, मैं बताती चलूँगी एक एक सेट, एक बार देख लो। इलेवन नंबर क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, सेवन नेक्स्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। तो मेरे पास ट्वेल्थ क्वेश्चन आया, फिर मैंने ये ऑप्शन लगा दिया और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। फिर थर्टीन क्वेश्चन आया, मैंने ऑप्शन फोर लगा दिया, फिर सेव नेक्स्ट कर दिया। फिर फोर्टीन आया, भाई मेरे को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखना है, ये क्वेश्चन नहीं आता मेरे को। फिफ्टीन भी नहीं किया मैंने, सिक्सटीन क्वेश्चन किया, ए ऑप्शन डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेवनटीन पे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन ही डाल दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। 18 का मेरे को नहीं आता, मैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल देती हूँ, 18 यहाँ पर रिव्यू होगा। 19 का मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन किया और 7 नेक्स्ट कर दिया। अब मेरे पास 20 क्वेश्चन है, मैंने फिर से ओल्ड किया और 7 नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो आपके क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए हैं या जो क्वेश्चन आपने स्किप भी किए हैं, सभी की आपको डिटेल दिखेगी। जब तक कि आप यहाँ से सेट को सबमिट नहीं करोगे, आप बैक जा सकते हो, लेकिन इसी सेक्शन में जा सकते हो और आपका अगला सेक्शन भी यहाँ पर नहीं खुलेगा जब तक कि आप एक सेट को यहाँ पर सबमिट नहीं करोगे। ध्यान रखना गाइस, अगर आपको इसी सेक्शन में दोबारा जाके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है, तो ऐसे बैक जा सकते हैं, लेकिन इसी सेक्शन में रहकर विदाउट सबमिटिंग बिफोर, सबमिट करने से पहले इसी सेक्शन में रहकर अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, मार्क फॉर रिव्यू वाला अगर क्वेश्चन, और सीधा ना उसी क्वेश्चन पे क्लिक करना है मार्क फॉर रिव्यू। जैसे मान लो मैंने एट नंबर क्वेश्चन निर्णय लेना है, मैं एट नंबर पे वाले करूँगी, मेरा क्वेश्चन नंबर एट आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मेरे को मान लो मैंने 15 स्किप किया था, मैं 15 वाला मेरे को याद आ गया, देखो मेरे को 15, तो क्या करना है, सिर्फ उसी क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है जिससे आपका टाइम सेविंग हो। अब यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं मेंटल एबिलिटी के, और मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा जितना हो गया हो गया, मेरे को आगे जाना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, सबमिट का ऑप्शन चूज़ करूँगी। मैं सबमिट करूँगी यहाँ से, तो मेरे पास सब कुछ आएगा, सेक्शन नेम आएगा, आपने मेंटल एबिलिटी की है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, देखो सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन थे, 10 के आंसर दिए, 6 के दिए ही नहीं, 4 रिव्यू के लिए हैं, इवेल्युएशन अभी 0 है, विजिटेड नहीं हुआ है। आपको दो बार पूछेगा, आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, क्लिक हेयर यस टू प्रोसीड। अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस पे प्रोसीड करो, अगर आपको क्लिक नो, अगर बैक जाना है, अब मैं बैक जाके दिखाती हूँ, मैं भाई कर रही हूँ नो, मेरे को सबमिट नहीं करना है, तो मैं उसी पे आ गई हूँ। समझ रहे हो कैसे आप बैक आओगे, लेकिन उसी सेक्शन में रहकर अगले सेक्शन में जाके बैक नहीं आ सकते। सबमिट किया, यहाँ से मैंने कर दिया, भाई मेरे को तो सबमिट करना है, बस यस हो गया ये सबमिट, अब कोई ऑप्शन नहीं होगा, अब ये सबमिट हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास आ गया जनरल अवेयरनेस, समझ गए, अब मैं चला गया, अब मैं वापस भी नहीं जा सकती वहाँ पर। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक एक क्वेश्चन करके, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने यहाँ पर न्यू दिल्ली लगा दिया, सेवन नेक्स्ट कर दिया। व्हाट इज़ द कैपिटल, मैंने यहाँ पर तमिलनाडु लगा दिया, सेवन नेक्स्ट कर दिया। फिर ये फॉर्मेट दे रखा है डिटेल प्लस बी ने, और कुछ नहीं, मेरे को तीन नंबर नहीं आता, मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया, सेवन नेक्स्ट कर दिया, पर्पल कलर का हो जाएगा, देखो देखो आप यहाँ पे ये वाली चीज़। तो गाइज
आपके सामने सेक्शन खुलेंगे, आपको खुद नहीं पता होगा सेक्शन खुलेगा कौन सा, ठीक है। तो एक तो आपको बिल्कुल माइंड को प्रिपेयर रखना है हर टॉपिक के लिए, जो भी सेक्शन खुले। क्या पता जनरल अवेयरनेस के बाद हमारे पास रीजनिंग आई, चलो मैं करके दिखा देती हूँ। और मैं ना मैं नहीं कर रही हूँ भाई, मेरे को अब सेवन नेक्स्ट मैं ये करते जा रही हूँ। और मेरे को यहाँ से 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे को आते ही नहीं है। तो मैं यहाँ से कर दिया मैंने, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर दिए। और ये रेड सिग्नल हमें ये दिखाता है कि मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं क्वेश्चन। अब मैं इसको अगर सबमिट करूँगी तो मेरे पास ये दो बार मांगेगा, सबमिट किया, यहाँ पे हमको दिखाएगा 20 क्वेश्चन थे, अटैम्प्ट 2 किए गए हैं, एक सेकेंड, हाँ आंसर सिर्फ 2 के दिए मैंने, 17 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, एक रिव्यू का है, इवेल्युएशन हुई नहीं है अभी। तो फिर से अगर मैं यस करूँगी तो मैं अगले सेक्शन पे चली जाऊँगी, अगर नो करूँगी तो इसी सेक्शन में जाके बैक जा सकती हूँ। देखो नो किया, इसी सेक्शन में आ गई, जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं सबमिट के बाद यस क्लिक करती हूँ तो फिर मैं चली जाती हूँ अगले सेक्शन में। ध्यान रखिएगा, सबमिट 2 बार करना होगा। और ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी ऑफिशियली। प्लीज़ घबराएं ना, और जो भी सेक्शन आता है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, अच्छे से पेपर दे के आएँ। सेफ स्कोर की मैं बात करूँगी यहाँ पे, सेफ स्कोर अगर आपका रहेगा 40% का क्रिटेरिया है फॉर जनरल यूआर के लिए, 35 का है ओबीसी दिल्ली वालों के लिए, और जो 30% का है वो है एससी का, एसटी जो भी शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए। इस एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर 30 का रहा, आई थिंक 5% रिलैक्सेशन मिला है उसको। अब देखिए 20 वाले, देखो मैं ज़्यादा नहीं कहती लेकिन कुछ एक बच्चों ने अच्छा ठीक ठाक स्कोर किया है। अगर आप 40% यहाँ से लेते हो तो इसका मतलब आपको 80 नंबर तो यहाँ से लेके आने हैं, अदरवाइज आपको ड्राइविंग के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। 80 मार्क्स पे अगर आपको ड्राइविंग के लिए बुला लिया तो फिर ये मेरिट में भी लगेंगे, आपको पता है रिटन एग्ज़ाम की मेरिट बनेगी, रिटन एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स आएंगे। गाइज ज़्यादा नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है क्या हालत होती है एग्ज़ाम टाइम पे, ऊपर से ऑनलाइन टेस्ट है, बहुत थोड़ा सा प्रिपेयर रखना पड़ता है माइंड को, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, मैथ और रीजनिंग में बहुत सोचना भी पड़ता है हर क्वेश्चन को लगाने से पहले, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंसेप्ट बेस होते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना। आप हो सके तो 125 to 130 क्वेश्चन तो प्लीज़ अटैम्प्ट करके आना, अगर इनमें से नेगेटिव भी निकलेंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आप सिर्फ क्या करो कि आप सिर्फ 80 क्वेश्चन करके आओ, तो अगर नेगेटिव मार्किंग में आ गए ये क्वेश्चन तो आप पास भी नहीं हो पाओगे। अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो मिनिमम से मिनिमम, तो चांस है आपके क्वालिफाई करने के आपके यहाँ से। अगर आप यहाँ से 120 क्वेश्चन कर रहे हो और एक्यूरेसी है आपकी 120 क्वेश्चन में लगभग 95%, आपको पता है ऑफिशियल आंसर की में भी कुछ ये घपला करते हैं आंसर्स का, हम तो ये मानेंगे बच्चे कुछ और मान रहे हैं, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हो और एक्यूरेसी आपकी 95%, तो यहाँ से आपका स्कोर बन सकता है और मेरिट लिस्ट में भी जुड़ने के चांसेस रहेंगे। सो ये कुछ अपडेट थी, एंड गाइज प्लीज़ माफ़ करना थोड़ा सा लेट रहा वीडियो, जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्लीज़ एक बार जरूर देख लेना ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा सा पैटर्न समझ आ जाएगा। इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए अभी टाइम है, देख के जाना। बॉयज़ फुल स्लीव की शर्ट नहीं डालनी, जूते नहीं डालने हैं, जुराबे नहीं डालने हैं, चप्पल पहन के जाना, स्लीपर डाल के जाना, ठीक है। और खुद को प्रिपेयर रखना, और कल लाइव होगा आपके एग्ज़ाम के बाद, प्लीज़ शेयर करना अपने क्वेश्चंस को, उन पे डिस्कशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्टेड वाइज, उसमें होता है जिसका थोड़ा टफ शिफ्ट में पेपर आता है उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, जिनका ईजी शिफ्ट में पेपर रहता है वो नॉर्मलाइजेशन में नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग अबाउट दिस अपडेट, एंड थैंक यू गाइस, अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।